दूर दुनिया से खोजते खोजते ऐसी ऐसी चीज़ें खोज लाया अपनी बाइक के लिए जिसने मेरे में और मेरी बाइक में एक नई ही जान डाल दी। दुनिया भर से, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, कितने ही पैसे लगे, एक से एक चीज़ मंगाई जो कि पॉसिबल थी, जो आ सकती थी, जो कि इस बाइक में लग सकती थी। ऐसे कर कर के मैंने अपनी बाइक को बनाया एक मास्टरपीस। आज उसी की सुनाऊंगा आप सबको एक प्यारी सी स्टोरी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और वो क्यों और कहां मुझे बेचनी पड़ी। तो कैसे हो मेरे प्यारे से दोस्तों, किंग्स आर्मी? भूल तो नहीं गए मुझे? बहुत दिन हो गए यार वीडियोस बनाए हुए, और मैं भी सीरियसली मैं भी पक चुका हूँ चार दीवारों में बैठ के। क्वारंटाइन कितना कर लिया, आपको पता ही होगा मुझे कोविड हुआ था, लेकिन अब मैं रिकवर कर चुका हूँ अच्छे से। अब बस अपने फॉर्म में वापस आएंगे धीरे धीरे करके, और जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे तो मज़े आ जाएंगे। दोस्तों, जब मैंने अपनी बाइक बेची थी ना, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे ज़्यादा, और मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी। मैं उन पछड़ों में नहीं फंसना चाहता था, जबकि आप अपनी बाइक बेचते हैं, कस्टमर आता है, पूछता है, मोल भाव करता है, देखता है देखता है, फिर आप दूसरे को दिखाते हैं, तीसरे को दिखाते हैं, आपको अपना टाइम निकाल के बार बार जाना आना पड़ता है। अगर उस वक्त बाइक 24 की सर्विस होती ना, तो मेरे को इतनी परेशानियों में नहीं जाना पड़ता। ये क्या सर्विस है, ये बाइक्स 24 की सर्विस है, इस ये पूरी तरीके से हैसल फ्री है, आपको किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। आरसी ट्रांसफ़र या किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र, कैसी भी चीज़, ये लोग खुद ही करेंगे। आपको सिर्फ अपनी डिटेल फिल करनी है, एक से डेढ़ घंटे बाद आपके पास में एक मैसेज आएगा जो कि आपकी बाइक की वैल्यूएशन बताएगा कि कितने की आपकी बाइक बिकेगी, और ये लोग अच्छा ऑफर दे रहे हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करके चैट कर सकते हैं, और चैट पे सारी बातें हो जाएंगी आपकी। कोई मतलब कॉन्टेक्ट लेस सर्विस है, कोई आदमी नहीं आएगा, कोई कुछ बात नहीं करेगा, सिर्फ आपको अपनी डिटेल भरनी है, आपके पास जो ऑफर आएगा, फिर आपके पास एक कॉल आएगी, आप उस कॉल पे जवाब दीजिए, इंटरेस्टेड हैं तो बेच दीजिए। तो ये कितनी अच्छी सर्विस है, पहले के टाइम में ऐसी सर्विस नहीं होती थी, लेकिन अब हैं और अब आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर पाया उस वक्त, आप यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। तो चलिए चलते हैं कि मैंने अपनी क्लासिक में क्या क्या लगाया था और कैसे कैसे लगाया था, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लगाया था, उसके लिए मैं पूरी लिस्ट आज बना के लेके आया हूँ। पूरी लिस्ट है मेरे पास में, जैसे कि इंटरसेप्टर के लिए थी, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर भी 1.5 लाख रुपये मैंने लगा दिए थे। 2 साल बाद बेची थी मैंने बाइक अपनी क्लासिक। 2 साल तक मैं उसमें अलग अलग चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाता था, क्योंकि मुझे शौक है अलग अलग टाइप्स का। जो सबसे पहले खरीदते मैंने अपनी बाइक के अंदर लगवाई थी ना चीज़, वो थी अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स की कॉस्ट थी 9,000। अब देखो वो वीडियो। बाइक स्टार्ट करें, सबसे पहले क्लच दबा होना चाहिए फर्स्ट गियर के अंदर बाइक, और हल्का सा हैंड ब्रेक, हल्की सी हैंड ब्रेक दबा के आपको पैर ज़मीन पे लगा के और अपनी बॉडी को मूवमेंट देनी है। जैसे कि आपको अगर इस तरफ मुड़ना है तो इस तरफ बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए, इस तरफ मुड़ना है तो इस तरफ। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, ये मूवमेंट बॉडी की होनी चाहिए, तो आपकी जो बाइक है वो इस एंगल से इस एंगल में अपने आप आ जाएगी। उसी के साथ मैंने लगा लिया था एक कोबरा एग्जॉस्ट, और कोबरा एग्जॉस्ट का उस वक्त साउंड था, मज़ा आ जाता था, उसकी कॉस्ट थी 1500। शॉर्ट बॉटल लॉन्ग बॉटल ये मत यूज़ करो यार, ये वाले साइलेंसर यूज़ करो ना, ये देखो, अगर आप ये वाले साइलेंसर भी यूज़ करोगे इनका साउंड बहुत है, ये साउंड किसी को हार्म नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपको भी मज़ा दे देगा। ऐसे साइलेंसर यूज़ करो जिनके अंदर बेस ज़्यादा हो और ट्रबल कम हो, और अगर आप अभी भी यूज़ कर रहे हो इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद में भी, तो सही बताऊं कि ये सरकार ना कुछ ऐसा ले आएगी इस बारी कि भाई बंदा आ रहा है बाइक से पटाखे फोड़ता हुआ, पहले तो पकड़ा और पिटाई शुरू, फिर उसके बाद में बंदे को जब्त कर लिया, बाइक जब्त कर ली, बाइक को इन्होंने डिमोलिश कर दिया, मतलब बाइक को इन्होंने ख़त्म करवा दिया, क्रश करवा दिया। फिर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक चूली, मैंने कहा कि चलो इसको ना कुछ कूलिंग सिस्टम पे काम करते हैं, क्योंकि हीट ज़्यादा हो जाती थी, वो नया इंजन था तो मुझे पता नहीं था उस वक्त कि नया इंजन ज़्यादा हीट होता है, पुराना कम होता है। तो मैंने उसके लिए कूलिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करी थी, जो कि मतलब अच्छा काम किया उसने, लेकिन अगर लॉजिकली टेक्निकली देखें तो उसकी वहाँ पे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, क्योंकि दिल्ली NCR में मैं रहता हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है कि आपको कहीं पे भागने की जरूरत नहीं। अबे हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर पर तो चलते हैं, कभी भी फोर्थ फिफ्थ तो हम डाल ही नहीं पाते, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उस ट्रैफिक के एनवायरनमेंट में उस मेरे रेडिएटर ने बहुत अच्छा काम किया, तो देखो वो वीडियो। ये मोटर है, ये एयर के आउटटेक्स हैं, ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर के अंदर मैंने यहाँ पर बहुत पतले पतले होल कर रखे हैं, तो होल से क्या होगा
कि जो मैं एयर वहाँ से पंप करा रहा हूँ ना, वो एयर वापस इंजन की तरफ जा रही है। ये देखो मेरे हाथ पे भी कितनी लग रही है। उसके साथ में एक और एडवांटेज है कि जब एयर यहाँ से खींच रही है तो वो अपने से आगे वाली एयर को भी अपने साथ ही खींच रही है। तो यहाँ पे एयर फ्लो जितना वहाँ से आ रहा है इस वक्त यहाँ पे वो डबल है। फिर लगाई मैंने इसके अंदर सीट जिसकी कॉस्ट थी 1500। अगर मैंने रेडिएटर की कॉस्ट नहीं बताई तो उसकी कॉस्ट थी 8000 रुपीज़। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ थी। और सीट जो मैंने लगाई थी वो भी इतनी कंफर्टेबल, इतनी अच्छी सीट थी। वो आप वीडियो देखिए। ये जो बकेट बना हुआ ना, इसमें ना आपका जो पोस्चर है ना बैठने का, वो डाउन हो जाता है और फिटिंग बिल्कुल ऐसी आती है। और ये बैक रेस्ट का काम करता है और पीछे बंदा भी बैठ जाएगा, इतना स्पेस पीछे है। फिर मैंने सोचा यार कि लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है बाइक का, ये लगा के ऐसा तो नहीं है कि ये कंफर्टेबल ना हो। अब मैं जब राइड करके आया सुबह सुबह बाइक, तो मेरे को पता चला कि यार ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका जो ये है ना, जो इसका फॉर्म है, जो इसका स्पंज लगा रखा है इन लोगों ने, ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये बकेट बन जाती है आपकी जो एस है, यानी कि आपका पिछवाड़ा, उसको बिल्कुल पकड़ लेगी ये। फिर इसके बाद क्या होता है, मेरे दिमाग में आता है क्यों ना यार इसको थोड़ा सा पीछे से बैगर बनाया जाए, ठीक है। तो मैंने इसमें लगा दिए दो बैग, सैडल बैग्स, और वो सैडल बैग मैंने कस्टम मेड बनवाए, अपना डिज़ाइन देके मैंने ये उनसे बनवाए हैं ऑर्डर पे। और ये सीट उन्होंने दोबारा से इसको रिफर्बिश किया, इसके ऊपर नया कवर लगाया, इसको ये वाला लुक दिया जो डॉटेड लुक देख रहे हो, ये जो लगे हुए इसके अंदर जो पिंस लगी हुई हैं, ये वाला लुक। तो अब जो है बाइक का जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ा भरा हुआ, थोड़ा भारी भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो पीछे से लुक कुछ इस टाइप का है, जो पीछे खाली एरिया होता था वो थोड़ा भर चुका है। और बहुत ही मैं कहूँ तो इम्प्रेसिव लग रहा है। इस तरफ से भी दिखाओ और इस तरफ से भी दिखाओ। और यूटिलिटी है, मतलब कि आप इसके अंदर सामान रख सकते हो और इसमें आप जो भी चाहो वो रख सकते हो। लेकिन लुक जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है, जैसी मैंने फोटो दी थी वैसे ही उन्होंने बनाया। जो वो सैडल बैग का डिज़ाइन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने वैसी सैडल बैग बना बना के अपनी शॉप में रख लिया और वो फिर उनके सेल भी हुए। तो मतलब एक नया डिज़ाइन देना, नए डिज़ाइन पे काम कराना, सोचो कितने एफर्ट्स होते हैं। तो वो मुझे सैडल बैग 2000 के आसपास के पड़े थे। फिर इसके अंदर लगाए थे ऑक्स बीम के साइड शूटर्स, और वो साइड शूटर पता कैसे थे, रात को ना इतनी चौड़ी बीम दे देते थे, मतलब कार जैसी लाइट दे देते थे दोनों तरफ से, क्योंकि वो सीधे तो थ्रो करते हैं, साइड में भी मारते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ थी। जो फॉग लैंप लगाए हैं नए, वो ऑन करके दिखाऊंगा। देखो सामने भाई दिन निकाल देता है, ये बात है। देखो हेडलाइट बंद कर रखी है, हेडलाइट की पावर इतनी है, या हाई बीम है या लो बीम है बस, लेकिन इनकी पावर कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हो, कहीं जंगलों में जा रहे हो, या फिर लंबी राइड पे जा रहे हो या ड्राइव पे जा रहे हो, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पैसे ज़्यादा हैं इसके, लेकिन चीज़ भी फिर बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ही पसंद आई। अब मैं अपनी हेडलाइट के आगे हाथ रख रहा हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि हेडलाइट की लाइट है। ये देखो कितनी लाइट है इनमें, ये जो देख रहे हो ये एंगल बन रहा है, ये वो साइड शूटर है जो मैंने दिखाया था। देखो वो कीड़ा चल रहा है वो भी इसके अंदर दिख रहा है आसानी से, यानी कि कितनी तेज़ और कितनी ज़्यादा क्लियर लाइट है। ये देखो ऐसे करके इसके अंदर ये वाले एंगल बनते हैं, ये साइड शूटर का कमाल है, वरना आपको सिर्फ आगे आगे की फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं। फिर आए हेलो हॉर्न्स। हेलो हॉर्न्स ने बहुत साथ दिया ट्रैफिक के अंदर। वैसे मैं ज़्यादा हॉर्न बजाता नहीं, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न पसंद है, आप भी मत बजाया करिए, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, अच्छे थे वो। ओके, तो ये हॉर्न लगने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। मेरे को सबसे अच्छी पोजिशन यही लगी तो मैंने यहीं पर लगवाए, और इस तरफ से ऐसे ये वाला वो हॉर्न है। फिर आया था मोस्ट फेमस थिंग, पायलट स्विच, 3-in-1 जो स्विच था, 1500 रुपये का मंगाया था मैंने उस वक्त जब कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेड ही था, तो देखो इसका वीडियो। ये है मेरा बाइक का कंसोल, मैं कर रहा हूँ इस वक्त अपना इग्निशन ऑन। तो ये देखना, ये देखो कुछ ऐसा सा आपको तीन यहाँ पे ये स्विचेस मिलते हैं, कलरफुल लाइट जल रही है और अच्छा भी लगता है। अब आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये दोनों सिंगल एक्शन है और ये फ्री एक्शन वाला स्विच है, जैसे हॉर्न में होता है ना वैसा। इंडिया में जितना रॉयल एनफील्ड का क्रेज़ है ना, उतना यूके और यूएस के अंदर भी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं, वो पहले से ही हैं। तो आप एक पीस मंगा लो, पसंद आया तो फिर उसको अपने दिखा दो लोगों को, वो उसकी कॉपी बना देते हैं। लीवर कुछ काम ऐसे करता है जो एडजस्टेबल लीवर होते हैं। एडजस्टेबल लीवर में क्या फ़र्क होता है, जैसे मान लो कि आप कीचड़ वाले एरिया में जा रहे हो या ऐसे एरिया के अंदर जा रहे हो कि हाँ जी आप एक बारी अगर हैंड ब्रेक दबाओगे तो आपकी बाइक स्लिप हो सकती है, तो आप क्या करो इसको थोड़ा सा कम कर लो। आप अगर हैंड ब्रेक ज़्यादा तेज भी दबाते हो, आपको आदत है ना, तो आप उसको कम जब दबाओगे तो वो कम ही लगेगी।
तो क्लच वाले केस में क्या होता है दोस्तों कि जब हम राइड पे जा रहे होते हैं कहीं पे दूर होते हैं तो बाय चांस कभी कभार रॉयल इनफील्ड या किसी भी बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ जी क्लच ढीला हो गया या फिर क्लच आप मैकेनिक से बनवा के लेके आए आपको टाइट लग रहा है आपको वो लूज लग रहा है तो आपको मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वाले बटन को एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो फिर जी थर्मोमीटर एंड क्लॉक, ये तो इतनी फैंसी आइटम थी मेरी बाइक की कि हर कोई देख के ये बोलता था कि यार ये क्या लगा रखा भाई, थर्मोस्टेट है थर्मोमीटर है ऐसे कैसे। ये वाली पोजीशन रुक जाएगी और फिर ऐसे करके ये चेंज हो जाएगा, आपको उसको जितना टाइट करना है आप उतना टाइट कर सकते हो। तो जी फिर क्या होता है कि मेरे को एक चीज़ नई दिखाई में देती है जो कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल थी, जिसकी कॉस्ट थी 2000, जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड। सोचा कि यार ये तो काफ़ी कमाल की चीज़ है क्योंकि ये वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड एक तो हैंडल की वाइब्रेशन ये कम कर देगी, दूसरी चीज़ इसके अंदर मोबाइल भी लगा सकते हैं, तीसरी चीज़ इसके अंदर कोई और गैजेट लगा सकते हैं, GPS लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं उसके अंदर। वो जो चीज़ थी ना वो इतनी सुंदर लगती थी सिल्वर कलर की गन मेटल ग्रे पे कि मज़ा ही आ जाता था। वो देखें आप वीडियो, आप इसके अंदर कोई सी भी चीज़ लगा सकते हो, चाहो तो जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला मोबाइल होल्डर इसके अंदर फिट कर सकते हो, ऐसे करो या फिर ऐसे करो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी करना है इसके अंदर तो आप इसके अंदर अपना कैमरा माउंट कर सकते हो बाइक के अंदर। कैमरा भी अगर माउंट नहीं करना तो अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो पंखा लगा लेना इसके अंदर, या फिर आप जो भी चाहो वो आप इसके अंदर लगा सकते हो अगर आपके पास ये वाला माउंट मिल जाता है तो। आप इस मोबाइल होल्डर को सेपरेटली भी लगा सकते हो, जैसे कि सेपरेटली आपको कैसे लगाना है, ये आपके पास इसका एक माउंट मिलता है, आपको इसके अंदर इसको ऐसे करके लगाना है और अपने बाइक के यहाँ हैंडल पे मोबाइल होल्डर लगा देना है। फिर उसके बाद मैंने एग्जॉस्ट चेंज किया जो कि जरा डॉल्फिन प्रीमियम 1500 रुपये का, ये बहुत डिसेंट साउंड करता है, ज़्यादा दिमाग में दर्द नहीं करेगा ना ही किसी को परेशानी देगा, इसलिए मैंने अब ये लगवाया है। अब इसकी देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। फिर लगवाई LED टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स जो कि 1500 रुपये के थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। इसमें एक बड़ा रिंग है इधर बीच में, जब हम ब्रेक मारेंगे तो छोटा वाला जलेगा। एक बार जरा ब्रेक मारना वहाँ से, ये देखो ये छोटा वाला रिंग जलता है। इसके बाद एक बहुत ही कमाल की चीज़ मिली जिसका नाम था ओसराम LED हेडलाइट, जिसने कि कमाल ही कर दिया था। 3000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट थी और क्या तो अमेजिंग उसकी लाइट का आउटपुट था, मज़ा ही आ गया था। शेप देख रहे हो कितना प्यारा आ रहा है, कितना प्यारा शेप है। ये इसकी लो बीम है, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ूंगा मुड़ जाएगा ऐसे ऐसे, और इसकी हाई बीम दिखाता हूँ, ये इसकी हाई बीम है। फिर एक और चीज़ जो इंट्रोड्यूस की थी उस वक्त, सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो तो मुझे महंगा मिला था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें मैंने मंगाई थी ना वो सस्ती पड़ गई थी। तो डिजिटल मीटर रॉयल इनफील्ड के लिए पहला डिजिटल मीटर मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था ऑनलाइन कि भाई एक डिजिटल मीटर जैसी एक चीज़ आई है कि मज़ा ही आ जाएगा उसको एक बार लगाओ तो। लेकिन हाँ जो नए बच्चे थे उन्होंने लगाया, पुराने लोगों ने लगाया, थोड़े दिन बाद देखो ये चीज़ ऐसी होती है शौक की होती है, आप लगाओ हटाओ यही होता है इन सब चीज़ों में। करते हैं ऑन और ये थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ गई है बाइक की देखने में, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है इस वक्त तो मुझे। फिर जी टैंक पैड कवर्स, अब टैंक पैड कवर्स के पीछे क्या स्टोरी है कि जो टैंक पैड कवर आपको दिख रहे हैं ये एक शीशा था जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में ना वो मज़ा नहीं आ रहा था उसमें, ऐसा लगता था जैसे खरगोश के कान खड़े हुए। तो फिर एक दिन वो शीशे किसने जल के, मेरी बाइक मैंने बाहर खड़ी कर रखी थी, किसी ने तोड़ दिए होंगे शीशे, शीशे में कुछ मार दिया लकड़ी वकड़ी या पत्थर वत्थर, तो वो टूट गया। तो मैंने सोचा कि इनको कैसे यूज़ कर सकते, तो मैंने उनके टैंक पैड्स बनाए। टैंक पैड्स मैंने कैसे बनाए, वो बनाए मैंने जो एक्चुअल टैंक पैड्स होते हैं उनको निकाला, उनके अंदर वो चिपकाया और लगाया, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही खूबसूरत लगते थे। तो यार ये मैंने खुद ही बनाया था और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, अगर आप देखो ना बाइक में तो। मैं अगर आपको अच्छे से एक बार व्यू दिखा दूँ, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बाइक में लगी हुई। ये भी मैंने एक बंदे से बोल के बनवाने की शुरुआत कर दी है कि भाई मेरे को टैंक पैड चाहिए मेटल के और वो भी सिल्वर कलर के, तो उसने मेरे को कहा कि मैं कोशिश करूँगा जैसा आपका क्वालिटी है ना ऐसा ही बनाने की कोशिश करूंगा। फिर नए टाइप के मिरर आए एंटी ग्लेयर 1500 रुपीज़ के, यार वो जो एंटी ग्लेयर जो मिरर्स थे ना वो ना मतलब मज़ेदार सी चीज़ थी, छोटे थे थोड़े से लेकिन मज़ेदार चीज़ थी, लुक वाइज बहुत अच्छे लगते थे और दिखता भी था साइडों का, थोड़ा दिखता था लेकिन हाँ रात को अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही है तो वो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं देंगी उसकी हेडलाइट्स। ये था एंटी ग्लेयर का मेन जो फंडा था वो ये था।
फिर लगाएं जी डुअल टेल लाइट्स। अब जब ये डुअल टेल लाइट्स मैंने लगा ली ना, तो यार पीछे से बाइक का जो लुक था ना, वो ऐसा लगता था पता नहीं कितनी बड़ी बैगर बाइक जा रही है, और कितना खूबसूरत वो लुक आता था। लोग रुक रुक के पूछते थे कि ये जो लाइट्स लगा रखी हैं कहाँ से लगाई। फिर आती है SJG रैली फॉग लैम्प्स। ये फॉग लैम्प बहुत महंगे थे, 3500 रुपये के फॉग लैम्प थे ये दो। लेकिन इनका जो थ्रो था वो साला ऐसा था जैसे कार की हेडलाइट जल रही है, वो भी LED वाली। इतना तेज थ्रो बाइक के अंदर, वो भी कम पावर यूसेज के साथ में। ट्विन डुअल पासिंग लाइट्स लगाई मैंने, जो कि बहुत फेमस हुई थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी उनको, काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी उसको वो ट्विन पासिंग लाइट्स लगाई थी अपनी मॉडिफिकेशन के अंदर। फिर एक ऐसी भी चीज़ आई थी हमारे पास में, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप अपना पैसा खर्च करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती। तो आपको वो अपनी ऑडियंस को बताना होता है कि भाई सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कि डायमंड हेडलाइट, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं थी, उसकी कॉस्ट थी 3000 रुपये। तो मतलब समझो कितने पैसे तो ऐसे ही बेकार चले जाते हैं। अभी तक जो मैंने आपको कॉस्ट बताई, ये मैंने वो कॉस्ट बताई है जो कि चीज़ें लगाई हैं, जो चीज़ें नहीं लगाई हैं, जो कि R&D का पार्ट था, लगाई उतारी वो चीज़ें कॉस्ट लगे। फिर जी हमने लगाया था इसके अंदर इम्पोर्टेड हैंडल विद राइजर्स। वो तो इतनी कमाल की चीज़ थी ना, वो जो हैंडल था ना, उसका जो शेप था यार, वो धांसुई चीज़ थी। वो देखो जरा आप वीडियो की, वो कैसी चीज़ थी। इंटरसेप्टर 650 हर एक बाइक में लग सकता है, कोई नॉर्मल बाइक में, FZ जिस मर्जी में आपको लगाना हो, पल्सर वल्सर हर किसी के अंदर लग सकता है। ये हैंडल यूनिवर्सल हैंडल है। दूसरा ये जो राइजर्स देख रहे हो ना, ये राइजर्स ये देखो कहाँ लगे हुए, देख रहे हो क्लासिक में यहाँ लगे हुए, आप थंडरबर्ड में नॉर्मल हैंडल में ला सकते हो। और ये एरोप्लेन ग्रेड हाई ग्रेड जिसको एल्यूमिनियम बोलते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय है, जो कि CNC कटेड है। CNC से इसको बनाया गया है, मतलब ढाला गया है इसको, मतलब गर्म करके नहीं ढालते, ये डेक्चून नहीं होता है, ये ब्लॉक्स होते हैं जो कि CNC मशीन काट के पार्ट निकाल देती है। ये हाई ग्रेड एल्यूमिनियम है। ये लीवर जरूर लगाओ, लीवर देखो अगर इसमें नॉर्मल लीवर लगा।